हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एस टी मिश्रा पुखरा लक्ष्मण आपका ढेर सारा तहदिल से वेलकम है। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 हो चुका है और मैं जा रही हूँ हैप्पी को घुमाने के लिए। आज बहुत ही अच्छी फेवरेट जगह जा रही हूँ और हैप्पी को लेके जाना है आज झांसी। तो हैप्पी का बहुत मन था फ्रेंड्स झांसी जाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज लेके चलते हैं। इनकी छुट्टी भी है आज बकरीद की। और आज के दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, कल के दिन मैं नहीं बोल पाई, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तो हैप्पी बकरीद सभी फ्रेंड्स को, बहुत बहुत बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स मैंने ईयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहने हैं, मैंने बैग में डाल दिए हैं। और क्योंकि एक तो गोल्ड वाले मैंने उतार दिए हैं और वो वाले मैंने डाले हैं, तो वो मुझे ना सूट नहीं करते। मैंने सोचा वहाँ जब मैं पहुँच जाऊँगी तब वहाँ पर पहन लूँगी, है ना, बहुत थोड़ा सा हैवी लग रहा है। तो मेरे कान हैं वो बहुत ही वैसे हैं, मतलब नाजुक टाइप में, बहुत जल्दी वैसे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स। और बादल है, भगवान से बस दुआ करते हैं कि मौसम तो बढ़िया है, बस ये है कि बारिश ना हो, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से जहाँ भी जा रहे हैं इंजॉय कर पाएँ अच्छे से, है ना फ्रेंड्स। तो बने रहना आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक। सो फाइनली फ्रेंड्स स्टेशन आ गए हैं और स्टेशन आए आए हो गए हमें, 7 से बज गया है 8, 1 घंटा हो गया, ठीक है। और ट्रेन आ भी चुकी थी और मतलब जगह देखते देखते कि मतलब कोई खाली डब्बा मिल जाए बैठने के लिए, इतने भरे हुए थे, इतने फुल भरे हुए थे कि खाली ढूंढते ढूंढते और हॉर्न देने लगी गाड़ी। मैंने कहा बैठ जाओ उसी में, खड़े हो जाओ। इनके हस्बैंड जी से कहा मैंने कहा यहीं पर खड़े हो जाओ कोई डब्बे में, कहते नहीं अभी पीछे जगह मिलेगी। और पीछे जब तक मतलब पूरे डिब्बे भी नहीं देख पाए तब तक ट्रेन हो गई, जाने लगी। और कहते हैं धीमे धीमे मतलब चल रही थी, कह रहे थे बैठ जाओ उसी में। मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठ पाऊंगी, पता चले धीमे स्लो वैसे चल तो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मुझे डर था कि मैं कहीं ऐसा ना हो चलती ट्रेन में मैं बैठूँ और गिर जाऊँ पटरी इतनी नीचे, और हील वाली मेरी चप्पल थी। तो हैप्पी तो बहुत ही इमोशनल हो गई है, देखो आप लोग। हैप्पी चलो घर, चलें घर, चलो घर, अब आओ, चलो चलें घर। पापा के साथ आओगी? अब हैप्पी चली गई, अब क्या अगले संडे को आना, संडे को छुट्टी रहेगी पापा की, तब चलेंगे। तो तुम नहीं चलना? तो फ्रेंड ट्रेन हमारी सच में छूट गई, बस किसके चक्कर में छूटी है थी? हैप्पी बोली हमारे चक्कर में छूटी है, क्योंकि हम बैठे नहीं थे उसमें, है ना, और छूट गई तो छूट गई। मुझे छूटने का गम नहीं है फ्रेंड्स, मैं चलती ट्रेन में भैया नहीं बैठ सकती हूँ, अब चाहे मेरी डांट पड़े चाहे कुछ भी हो, मैं चलती ट्रेन में मुझे बहुत डर लगता है। और क्या पता ट्रेन के मतलब चलती ट्रेन में बैठने जाऊँ और गिरूँ नीचे पटरी के, तो अच्छा हो जाए घूमना, है ना। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, अपनी जान जोखिम में डाल के इतना रिस्क नहीं लेती हूँ कि मुझे घूमना है तो मतलब चलती ट्रेन में बैठ जाओ ना बाबा। तो फिर देखते हैं, जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं जाएंगे तो घर जाके खाना वाना बनाएंगे जाके, है ना। हैप्पी हैप्पी रोटियां बेलेंगे, हम रोटियां सेकेंगे, क्यों हैप्पी बेलोगी रोटियां? पूरी तो बनी रखी है। हाँ पूरी सब्जी बना के लाए हैं, वही खा लेंगे, है ना हैप्पी। देखो बच्चों को, इन्हें नहीं सबर है, ट्रेन मतलब ऊपर से नहीं आएंगे, यहीं नीचे से चले आएंगे भले ही ट्रेन आ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में, क्या होता है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाने लगे थे बस स्टॉप, तो यहाँ पे कल थी बकरीद, तो बकरीद की वजह से सारा जो मार्केट है मतलब ज़्यादातर मार्केट बंद था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो लगा था, तो पुलिस वगैरह ज़्यादा थी। तो यहाँ पे देखेंगे बस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो सो फ्रेंड बस हमें मिल गई थी टाइम पे, जैसे ही हम पहुँचे थे भोगनीपुर, किसने सुना है भोगनीपुर। तो जैसे ही हम लोग भोगनीपुर पहुँचे थे वहाँ मुझे बस मिल गई थी। और देखो आप लोग कोई सो रहा है यार, ये कौन है, उसकी चोटी दिख रही है, पता नहीं कैसा लग रहा था अजीब सा, मैंने अभी कैमरे में ध्यान दिया है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यो मतलब ये जो बाहर का नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बस मैंने आपको ही साथ शेयर कर दिया। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा था आज। सो फ्रेंड इसके बाद ना फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे झांसी के किले पे, ठीक है। यहाँ पे इतनी फ्रेंड्स देख रहे हो, इतना मतलब ऊंचा चढ़ना पड़ रहा था, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स थकान हुई थी चढ़ने में, और उतरने में ज़्यादा इतनी नहीं हुई थी, लेकिन जितना चढ़ने में हो रही थी ऐसी मतलब चढ़ाई थी, जितना ही चलते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ,
और उतरने में तो जल्दी जल्दी उतर रहे थे है ना, ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा था, अपने आप ही उतर रहे थे, बस चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने थोड़ा सा फास्ट मोड पे लगा दिया है। तो किला की मैं क्या बात करूँ, किला तो मतलब अच्छा है देखने में है ना, और बस ये है कि कोई बताने वाला होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता था, कहाँ पे मतलब पंचायत लगती थी, कहाँ पे फांसी लगती थी, कहाँ पे क्या होता था, ये हमें कुछ कंफर्म नहीं था। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए थे किले के अंदर 1 बजे, 1 बजे से 3 बजे मतलब बज गया था हमें घूमते 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 घूमते, लेकिन हमें कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था, बस अपने आप में अंदाज़ा लगा रहे थे हाँ कि यहाँ पे ऐसा होता होगा, यहाँ पे ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे जो मतलब डेकोरेशन किया है, मतलब फ्लावर वगैरह बहुत ही अच्छे से पार्क वगैरह बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही पुराना मतलब वही है जो पुराना था, तो सेम है किला वैसा ही। सो फ्रेंड्स ये जो आपको गेट दिख रहा है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, तो अंदर जाने का कोई वही नहीं था, मतलब यहाँ पे लॉक था, सिर्फ बाहर से ही देख सकते हो। तो यहाँ पे ये था फांसी घर था, यहाँ पे फांसी दिया थी इसी के अंदर। और ये देखो आप लोग है ना, सारा कुछ पुराना बना, इतना बड़ा था, और देखो आप लोग ये दरवाजे इस टाइप में लगे हैं, और जो इसके वो हैं मतलब दरवाज़ा, तो इतना मजबूत है ये, लोहे के वो लगे हैं, क्या बोलते हैं इनको, पल्ले वगैरह क्या बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। तो हर जगह ये मतलब ये इस टाइप में छोटे छोटे से ये लगे हुए थे जिंगले टाइप में, और यहाँ से मतलब निगरानी रखी जाती होगी कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। देखो आप लोग है ना, यहाँ पे हर जगह पे थोड़े थोड़े दूर पे बने हुए हैं, मतलब चारों तरफ सैनिक लगते होंगे। और यहाँ पे ये है झांसी के अंदर मंदिर, किले के अंदर जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई शंकर जी की पूजा करती थी। तो अभी मैं मंदिर का दिखाऊंगी चल के आपको। और यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और ज़रूरी भी है, मतलब हर चीज़ देखनी चाहिए लाइफ में है ना, हर चीज़ बच्चों को। ये क्या था, कुआँ था, क्या था, भगवान जाने, पता नहीं क्या था। सो फ्रेंड्स ये है मंदिर, और मंदिर ये बहुत ही नीचे था, सबसे ज़्यादा नीचे, मतलब किले के बिल्कुल नीचे था है ना। तो यहाँ पे ये मंदिर है, मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बहुत ही कोशिश की थी यहाँ से जिंगले से दिखाने की, बट यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको अभी क्लियर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड बहुत ही प्यारा मंदिर था, और बहुत ही मतलब वही पुराना बना हुआ है जैसे पहले था उनका, वैसे ही है सेम। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति बनी हुई थी। तो अभी मैं आपको बाहर से इधर से क्लियरली नहीं दिख रहा है जाता, क्योंकि यहाँ पे गेट में लॉक वगैरह पड़ा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ से चल के अंदर से। सो फ्रेंड देख सकते हो आप लोग, ये है शंकर जी की मूर्ति, और यहाँ पे वही मूर्ति है जो पहले हुआ करती थी लक्ष्मीबाई जी के ज़माने में, वही सेम पूरा मंदिर है, मतलब यहाँ कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं है, वैसे ही है सेम। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना गेट के बाहर जैसे मतलब एंट्री करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे ये रखी हुई हैं तोपें है ना। तो पहले के ज़माने में कैसे चलाई जाती थी पता नहीं है भैया, तो मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दिया। दोनों साइड रखी हैं दरवाजे के, एक साइड ये वाली इधर लेफ्ट राइट मतलब दोनों साइड रखी हुई हैं। तो देखो दूसरी ये है, तो यहाँ पर लोग छू छू के देख रहे हैं टच। सो फ्रेंड्स यहाँ से ना आप पूरी झांसी देख सकते हो, यहाँ से पूरी झांसी दिख रही है ना। मैं तो देख रही थी सुगंधी को, सुगंधी झांसी में रहती हैं, देख रही थी पता नहीं कौन सा उनका मकान बना है, मैं चली आऊँ उनसे मिलने। सो फ्रेंड बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से, मतलब पूरी झांसी दिख रही थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। सो फ्रेंड इसके बाद ना देखो आप लोग यहाँ पे, मुझे तो ये सब नज़ारा देखने में बड़ा अच्छा लगता है है ना, लोगों को मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। और कौन कैसे कोई लहंगा पहन के आ रहा है, कोई जीन्स टॉप पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में सबको, ज़्यादा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो। सो इसके बाद ना फ्रेंड्स ये है बाहर का व्यू, और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो खाने पीने के लिए आप अपना ज़रूर लेके आएंगे, मैं तो लेके आई थी सब्जी पूड़ी बना के, क्योंकि यहाँ पे बाहर से भेल पूड़ी आपको मिलेगी खाने को, बाकी बाहर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं लगा है बाहर ना कोई मतलब वो होटल वगैरह है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ भैया लोग खड़े रहते हैं जो भेल पूड़ी वगैरह मतलब बेचते हैं। और यहाँ पे आइएगा तो किसी को जान मतलब जो जान पहचान का हो, मतलब जो बता सके आपको हर जगह। मैंने तो किला देखा बट आधा छोड़ दिया, मैं 3 घंटे में इतना ज़्यादा थक गई थी कि पूरा मैं किला नहीं देख पाई। और या तो मुझे रुकना होता कहीं पे तो मैं मतलब चलो शाम रात हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा देख लेती। बहुत कुछ मैंने किले पे स्किप कर दिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स आ गए हैं सबसे ऊपर, ठीक है, किले के सबसे ऊपर।
वाली जो जगह है वहीं पे खड़े हैं। बाकी हमें कुछ समझ नहीं आ नहीं रहा है कहाँ पे कैसा है, मतलब कहाँ पे उनका रूम था, कहाँ पे क्या था, कुछ नहीं आ रहा समझ में। बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। इतना बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ से जाएं, कहाँ से निकलें, कहाँ देखें, कहाँ ना देखें। कोई दिखाने वाला समझाने वाला है नहीं, ठीक है। और कोई होता बताता तो पता चलता क्लियरली। और बस जैसा मैंने शेयर मतलब बना पाया वैसा आपके साथ शेयर कर दिया है, तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।